हेलो, आज इस वीडियो में बीकॉम फाइनल ईयर मैं इंटरनेशनल मार्केटिंग में यूनिट हेड और यूनिट हेड में हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है विदेशों में उत्पाद और सेवाओं के लिए संवर्धन निर्णय प्रमोशन डिसीजन ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस एरो। विदेशों में उत्पाद सेवाओं के लिए हमें कौन कौन से निर्णय लेने पड़ते हैं संवर्धन के लिए, उन निर्णय की हम यह बात करने जा रहे हैं। उनको समझने से पहले हमें जान लेते हैं कि प्रमोशन क्या होता है, संवर्धन क्या होता है और संवर्धन की क्या क्या मेन उद्देश्य है, कार्य ये हम देखेंगे। स्टॉक पहले समझते हैं इसकी परिभाषा संवर्धन। तो विपणन में संवर्धन अति आवश्यक है क्योंकि बिना संवर्धन के ना तो हमारी वस्तु के बारे में कस्टमर को सूचना मिल पाएगी और ना ही कस्टमर आपकी वस्तुओं की ओर अट्रैक्टिव हो पाएगा। उन्हें आकर्षित करने के लिए, उन्हें हमारी वस्तु के बारे में मेमोरी बढ़ाने के लिए कस्टमर और मैन्युफैक्चरर्स इनके बीच होने वाली डिस्टेंस को कम करने के लिए संवर्धन किए जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ, इसी परिभाषा क्या होगी कि संवर्धन एक ऐसा टूल्स है, साधन है जिसके अंतर्गत उत्पाद और सेवाओं के लिए कस्टमर का ध्यान आकर्षित करने, उन्हें सूचनाएं देने, उन्हें वस्तु और सेवाओं के बारे में याद दिलवाने और अधिक से अधिक वस्तु या सेवा परचेज करने के लिए रिक्वेस्ट की जाती है, अनुनय किया जाता है, जिससे कि निर्माता, कस्टमर, मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर के बीच होने वाली डिस्टेंस, दूरी कम हो जाए। इसके अलावा कस्टमर को उत्पाद सेवाओं के लिए आवश्यक जरूरत के लिए अनुकूल बनाने तथा उन्हें अधिक से अधिक वस्तु परचेज करने के लिए मोटिवेट किया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि संवर्धन वस्तु या सेवाओं की बिक्री बढ़ाने के लिए किया गया एक प्रयास है जिसमें ना केवल वस्तु या सेवाओं से संबंधित नॉलेज दी जाती है बल्कि उसके साथ साथ उनका ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया जाता है, उनकी मेमोरी को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। ऐसे प्रयास चार टाइप के होते हैं, नंबर वन विज्ञापन, नंबर दो व्यक्तिगत विक्रय पर्सनल सेलिंग एडवर्टाइजमेंट पब्लिसिटी प्रचार और विक्रय संवर्धन सेल्स प्रमोशन। चार विक्रय है, भेजने को साथ ही मान लेते हैं कि विज्ञापन प्रचार एक ही होता है या विक्रय संवर्धन विज्ञापन एक ही बात है। जैसे हम बोलते हैं कि सैंपलिंग सैंपल बांट दो, 10% छूट दे दो, 15% छूट दे दो, तो लोग बोलते हैं विज्ञापन हो रहा है, विज्ञापन नहीं है ये, दिस इज ए सेल्स प्रमोशन। विज्ञापन तो किया गया एक इनडायरेक्ट अवैधानिक तरीका होता है प्रस्तुतिकरण का जिसमें कस्टमर और मैन्युफैक्चरर सामने सामने भी नहीं होते हैं, जबकि विक्रय संवर्धन में हम आमने सामने भी करते ही हैं, छूटे देते हैं, 10% छूट दे रहे हो आप, 15% दे रहे हो, प्रीमियम दे रहे हो आप, मेले आयोजित किए जाते हैं, बड़े बड़े सेमिनार्स होते हैं बड़े बड़े, ये सब आपके विक्रय संवर्धन में ही शामिल होते हैं। और बेहतरीन विक्रय में हम आमने सामने वस्तु को शेयर करते हैं। प्रचार जिसमें पर्टिकुलर किसी व्यक्ति का नाम नहीं होता है, जिसमें पे ही नहीं किया जाता, कंसिडरेशन नहीं होता है, इसमें पर्टिकुलर भी नहीं होता है प्रचार में, तो प्रचार और विज्ञापन दोनों डिफरेंस है, इसको समान नहीं मानना। तो अगर सारा रूप में समरी रूप में बात करें तो ये बोल सकते हैं कि संवर्धन वस्तु या सेवाओं की बिक्री बढ़ाने के लिए किया गया एक ऐसा प्रयास होता है जिसमें न केवल क्रेताओं का ध्यान आकर्षित किया जाता है बल्कि उसे सूचनाएं दी जाती है, याद दिलवाने का प्रयास किया जाता है, वस्तु की मेमोरी बनी रहे ताकि
इसके अलावा उत्पादन सेवाओं की परचेजिंग करने के लिए उन्हें रिक्वेस्ट की जाती है, अनुनय किया जाता है। ये सारी चीज़ें जो है आपके संवर्धन में सम्मिलित होता है। इसे ही संवर्धन कहा जाता है, प्रमोशन कहा जाता है, जिसका परिणाम ये होता है कि कस्टमर, मैन्युफैक्चरर्स, डिस्ट्रीब्यूटर के बीच होने वाली डिस्टेंस दूर हो जाती है, कुछ समस्याओं का समाधान हो जाता है और अन्य सुविधाएं सारी भी प्राप्त हो जाती है, जिसमें कि मेन चार टैच होते हैं, पहला विज्ञापन, दूसरा प्रचार, तीसरा वित्तीय संवर्धन और चौथा व्यक्तिगत रूप। इसके अलावा इसमें उत्पाद सेवाओं को कस्टमर की जरूरत के अनुरूप बनाने का भी प्रयास किया जाता है। कस्टमर को क्या चाहिए, उसकी फैशन क्या है, कैसी वस्तु की उसको आवश्यकता है, उन सुविधाओं का लाभ भी हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाता है, जिससे हमारी सेल्स बढ़ जाती है और लॉन्ग टर्म में हमारी ख्याति बनती है, कंपनी की ख्याति बनती है, वस्तु की दूरी बनती है और देश की ख्याति बनती है। ये तभी हो पाता है जब आपने प्रमोशन किया हो बड़े ही सिस्टम बड़ी तरीके से, किस कंडीशन में कौन सी टैग को यूज करना है, विज्ञापन करना है, प्रचार करना है, आपको सेल्स प्रमोशन करना है, डिपेंड ऑन कंडीशन कि वो आपका मुख्य उद्देश्य क्या है, आप क्या चाहते हैं। कस्टमर में आप दूरी बढ़ाना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म में आप सेल्स बढ़ाना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म में आप सेल्स बढ़ाना चाहते हैं, ये डिपेंड करता है हमारे प्रमोशन पर। ये प्रमोशन आपको कैसा करना है, जब तक आपके उद्देश्य आपको पता नहीं होंगे आप प्रमोशन नहीं कर पाएंगे, वस्तु की कॉस्ट भी बढ़ सकती है, सेलिंग वैल्यू उसकी बढ़ जाएगी। ये तब होगा जब आपने बिना सोचे ये किया हो। यदि आपने सिस्टमेटिक किया हो, सोच समझ के किया हो, आपने अपने उद्देश्य को ध्यान रखा हो संस्था की, तो ऐसी कंडीशन में वस्तु का मूल्य जो है वो कम हो जाता है और लॉन्ग टर्म में आपकी प्रॉफिट बढ़ जाती है। एक और तो बोलते हैं कॉस्ट बढ़ जाएगी, एक और बोलते हैं कॉस्ट नहीं बढ़ेगी, लेकिन वास्तव में देखें अगर आप सिस्टमेटिक किया है तो कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगी, बढ़ेगी नहीं। तो ये आपके संवर्धन की जो परिभाषा है आप समझी। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय संवर्धन के मेन टास्क क्या होते हैं, मेन उद्देश्य इसके क्या होते हैं। थैंक यू। इस वीडियो में यही समाप्त करते हैं इस वीडियो को, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं।